ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब चलिए हम लोग ह्यूमन ईयर को अच्छे से समझने के बाद, अच्छी तरह से समझा, आप जब भी नेक्स्ट टाइम भी ह्यूमन ईयर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जो लोग भी इसको देख रहे हैं बहुत आप नाम लेंगे। चलिए ह्यूमन ईयर मैंने कैसे पढ़ा, क्लास में फेस टू फेस नहीं होने के बावजूद भी मैंने कैसे पढ़ा। अब हम लोग साउंड के विषय में और भी कुछ चीजें पढ़ते हैं जो आपके डेली लाइफ में, आपके नेक्स्ट जो है कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन वगैरह में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर, स्पीड ऑफ साउंड हम लोग समझे। अब स्पीड ऑफ साउंड समझने से पहले एक चीज बताइए कि जब भी कोई चीज टकराहट होगी, टक्कर होगी, तभी तो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, पहले भी हम बताया। और टक्कर होगा तो वो टक्कर होने के बाद वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट होने के बाद ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को वो साउंड से टक्कर मारेगा। ठीक है, साउंड से टक्कर मारेगा। तो सबसे पहले यहां पे एक चीज समझ लीजिए कि जैसे यहां पे मैंने एक दीवार है, यहां पे हुक लगाया है, और ये एक रबर है, और इसको पकड़ के जब आपने कस के छोड़ा है तो इस तरीके के आपको डिजाइन बना है, और एक गनगनाहट की टाइप का साउंड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पे एक जो मैक्सिमम डिस्टेंस बना है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा कहलाता है एम्पलीट्यूड। क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड। अगर पूछा जाए आपसे व्हाट इज एम्पलीट्यूड, तो आप कहेंगे द मैक्सिमम डिस्टेंस, द मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पॉइंट, फ्रॉम द मीन पॉइंट ऑफ एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये हो गया। एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट भी पूछा जा सकता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, सिक्स क्लासेस में पढ़े होंगे कि जब भी वो स्पीड मेजरमेंट और स्पीड के बारे में आप लोगों ने देखा, मूवमेंट एंड स्पीड, उसमें देखा होगा कि कोई भी चीज की जब मेजरमेंट हम लेते हैं तो जब तक उसका हम ऐसा यूनिट नहीं बताएंगे तब तक वो मेजरमेंट की यूनिट क्लियर नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है। मान लीजिए हमने कह दिया एट, क्या मतलब एट का क्या मतलब? आप एट क्लास में पढ़ते हो, या एट ईयर ओल्ड हो आप, या एट साल से इस प्लेस पे जा रहे हो, कुछ पता ही नहीं चल रहा है एट कहने का मतलब। जब तक एट के साथ आप कुछ लगाएंगे नहीं तब तक ये हमारा सही नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, मैथ बना लेंगे, उसका यूनिट छोड़ देंगे, ऐसा यूनिट छोड़ देंगे। अगर आप ऐसा यूनिट छोड़ देते हैं दैट मीन्स आपका एक नंबर कट सकता है, आपने कंप्लीट नहीं काम किया। तो इसका क्या है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा लेंथ में होता है, और इसकी मेजरमेंट हमेशा यूनिट मीटर में होगी। तो ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो मीटर होगा। क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड हमारा मीटर होगा, इसको हम स्मॉल m से इंडिकेट करेंगे। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? अब जब ये वाइब्रेट करेगा, एम्पलीट्यूड आगे भी एक बार आप डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे, यही एम्पलीट्यूड है, ये बात पूरा ध्यान रखिएगा, एम्पलीट्यूड। अब जब ये वाइब्रेट करेगा, एम्पलीट्यूड जब प्रोड्यूस होंगे, ये तभी प्रोड्यूस होंगे जब ये वाइब्रेट किया। आपने तबला पे देखा होगा, तबला की हमने पिछले स्टार्टिंग में इसकी डायग्राम भी बना के बताया था कि अगर ये छोटा है ना, छोटा है तो इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है? ठीक है, इसका नाम, ये गद होते हैं, ताल होते हैं। ठीक है, ये गद और ताल होता है इस तरीके से, ये तबला है, तो इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा, नो प्रॉब्लम, इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो साउंड की लाउडनेस ज्यादा होगा। ये जब हम लोग साउंड के कैरेक्टर पढ़ेंगे
उस जगह पर भी इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। अब रही बात, जब ये वाइब्रेट करेगा तो यहां से साउंड निकल के दूर जाएगा, साउंड निकल के दूर जाएगा, है ना। यहां पे हम थोड़ा सा लाइट का भी चर्चा करना पसंद करेंगे, क्योंकि आपने सेवेंथ में लाइट पढ़ा भी है। लाइट के प्रॉपर्टीज में क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा होगा, अब सेवेंथ वाला भूल गए होंगे तो काम नहीं चलेगा, मैं सारा यहां पे रिवाइज करता हूं, वो सारी चीज आते हैं। लाइट कास्ट शैडो, एक प्रॉपर्टीज आपने वो भी पढ़ा था, एक पढ़ा था सीधी रेखा में जाते हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, आपने पढ़ा कि लाइट कास्ट शैडो। तो लाइट कास्ट शैडो, जब भी उसके बीच में अगर ओपेक ऑब्जेक्ट आ जा रहा है तो लाइट की रास्ता डिस्टर्ब हो गया, लाइट की रास्ता रुक गई, बंद हो गई। लेकिन यहां साउंड की रास्ता नहीं रुकती, साउंड हमारे तीनों मीडियम में हमारा साउंड ट्रेवल होगा, इसकी ट्रेवलिंग होती है। तीनों मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, आपने देखा होगा, पहला मीडियम यहां पे थोड़ा हम उल्टा लिख रहा हूं, सॉलिड, दूसरा मीडियम लिक्विड और तीसरा मीडियम गैस, ये तीन मीडियम होते हैं। जब भी कोई चीज साउंड प्रोड्यूस करेंगे, अगर एयर में आप बाट का नाम सुना होंगे, हम लोग उसका साउंड नहीं सुनते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड हो जाता है, तो वो एयर में अगर साउंड प्रोड्यूस करेगा, एयर में अगर साउंड बोलेगा तो उसको वो एयर में मूवमेंट करेगा, तो वो गैसियस स्टेज में मूवमेंट किया, यानी कि वो एयर में मूवमेंट किया। अगर पानी के अंदर डॉल्फिन हो गए, व्हेल हो गए, जो भी है, अब हम लोग भी पानी में बोलते हैं तो वो आवाज वो सुनेगा, बट हम लोगों की सुनने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम नहीं सुन पाते। तो पानी में अगर ये सब डॉल्फिन वगैरह जो साउंड अगर प्रोड्यूस करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं ये किस मीडियम में साउंड ट्रेवलिंग करेगा, तो ये लिक्विड यानी कि वाटर मीडियम में करेंगे। इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें तो किसका होगा, तो बैट का होगा एयर में। हम लोगों की जो साउंड होती है, इसकी साउंड हो गई, है ना, बैट हो गए, ह्यूमन हो गए, बर्ड हो गए, इस सब की साउंड कहां प्रोड्यूस होती है, तो एयर मीडियम में ये सब साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अगर वाटर में देखा जाए तो डॉल्फिन का होगा, ओके, डॉल्फिन का होंगे, व्हेल का होगा, ये सब वाटर मीडियम में साउंड ट्रेवल करते हैं। अगर सॉलिड में ट्रांसफर करने की बात हो तो आप, हालांकि देखिए रेलवे की पटरी आप देखते हैं, वो दूर भी ट्रेन चलती है तो वहां गनगनाहट की जो आवाज है, ट्रेन चलने की आने की आवाज जो है, वो दूसरे स्टेशन के लोग भी उसमें अगर आप ईयर लगा के या किसी मीडियम से सुनेंगे, हालांकि रिस्की है, कहीं ट्रेन आ गया, नहीं ऐसा करना है, तो वो आपको सुनाई देगा, ठीक है, वो आपको सुनाई देगा। तो सॉलिड कहने का मतलब हम आयरन कह सकते हैं, और इसमें साउंड किसका आएगा, तो ट्रेन के व्हील्स की साउंड हो सकती है। अब यहां पे देखने की बात एक और भी है कि गैस का जो पार्टिकल्स होता है वो ऐसे होते हैं, आपने सेवेंथ में पढ़ा है, दूर दूर होता है। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो गैस के पार्टिकल से करीब होते हैं, गैस के पार्टिकल से करीब होता है, ठीक है, गैस के पार्टिकल से करीब हुआ, ये लिक्विड का, ये गैस का, गैस पार्टिकल और ये लिक्विड पार्टिकल और ये अगर देखा जाए तो ये हो गया सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, ये हो गए आपके सॉलिड पार्टिकल। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? तो गैस में जो हमारा जो साउंड की ट्रेवलिंग जो गैस में होगा वो 340 मीटर पर सेकेंड का होगा, ठीक है। क्यों होगा कि मान लीजिए यहां से ये साउंड प्रोड्यूस हुई और एयर में ये आया, धक्का मारा, तो धक्का जो मारेगा तो ये इसके बीच में जो पार्टिकल है ये गैप को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ये जब तक आगे धक्का मारेगा फिर ये इसको मारेगा, फिर इसको मारेगा, ठीक है। और धक्का जो मारता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये जो है साउंड प्रोड्यूस हुई, ठीक है, यहां पे बना रहा हूं, ये साउंड प्रोड्यूस हुई यहां पे। अब यहां पे जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो ये जो आप देख रहे हैं ये आगे की ओर धक्का मारेगा, ठीक है, ये
तो इधर थोड़ा सा क्या होगा, ये रेयर पार्टिकल्स है, यहां पे काफी घना पार्टिकल्स बनेगा, ये टक्कर मार के इसके पास पहुंचा, फिर ये टक्कर मारेगा तो यहां जो आएगा तो ये थोड़े से हल्के होंगे, फिर यहां अगला जो पार्ट होगा ये काफी घना सा होगा, ठीक है, ये डेंस होंगे और ये रेयर होंगे, आप देख रहे हैं, फिर ये क्या होगा, थोड़ा सा रेयर होगा, ये रेयर होगा और ये क्या होगा, ठीक है, इस तरीके से ये टक्कर मारा इसको, यहां पे आके ये डेंस बना, इसकी भी डेफिनेशन है, हम लिखा देंगे आपको अभी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम लिखाते जाएंगे, तो ये टक्कर मारते हुए फिर इसके पास आया, ऐसे ही करते हुए साउंड हमेशा आगे की ओर बढ़ता है, ये रेयर हो गया, यहां पे डेंस हो गया, ठीक है, ये डेंस हो गया, फिर यहां पे रेयर हो गया, ठीक है, फिर यहां पे रेयर हो गया, फिर यहां पे डेंस हो गया, यहां पे डेंस हो गया। अब आप कहिएगा थोड़ा एक चीज और गौर से देखने की बात यह है कि यहां पे मैंने पतला सा बनाया, यहां इससे थोड़े से ही मोटे बनाने हैं, थोड़े से मोटे, और यहां जो है इससे भी मोटे, ऐसे करते करते ये मोटा होता जा रहा है ना, रेयर और थोड़ा सा और डेंस, ये दोनों के दोनों मोटे होते जा रहे हैं, यहां तक आपको क्लियर दिख भी रहा है, रेयर डेंस दिख भी रहा है, इसका डेफिनेशन भी हम बताएंगे आपको। तो एयर में क्या होगा कि जब ये साउंड प्रोड्यूस होगा तो ये जर्क को एब्जॉर्ब करेगा, इस दोनों के बीच जो जर्क है इसको एब्जॉर्ब करेगा, यही कॉज है ना, मान लीजिए हम लोग जो है वो बालू वगैरह पे घास वगैरह पे कूदते हैं तो उस दोनों के बीच क्या होता है, दोनों के बीच एक गैप होता है और वो हमारे जर्क को फील करता है, एब्जॉर्ब करता है और हमको चोट लगने से बचते हैं। तो यही जर्क तो यहां भी है, ये भी मैनेज करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में जब गैप है तो मैनेज करता है, दैट मीन्स जितनी कैपेसिटी से ये साउंड को प्रोड्यूस साउंड को आगे की ओर भेजेगा उतनी कैपेसिटी से ये साउंड को आगे की ओर नहीं भेजेगा, इससे ज्यादा स्पीड इसमें होगा और इससे ज्यादा स्पीड इसमें होगा, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो आपको क्या लगता है एयर में जो 340 मीटर पर सेकेंड आप देख रहे हैं यही लिक्विड में हमारा 1500 मीटर पर सेकेंड, इसको पर सेकेंड लिखे हैं, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है सॉलिड की, तो सॉलिड में जो साउंड का जो मूवमेंट होगा वो इनसे बेहतर होगा, है ना, इनसे ज्यादा होगा। तो इस साउंड की अगर स्पीड देखा जाए तो इसके हैं 5000 मीटर पर सेकेंड, 5000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5000 मीटर पर सेकेंड, तो इतना हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है ना, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर, जैसे ये 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो एक तरीका इसका ये है 10 मीटर पर सेकेंड इनटू हम 60 कर देंगे, है ना, यदि एक मिनट का निकल गया और इनटू फिर से हम 60 कर देंगे तो कितना का हो गया, कितने का हो गया, अब ये एक आवर का हो गया, तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो गया, 36,000 मीटर को हमको अगर किलोमीटर में बदलना होगा तो क्या करेंगे हम, बाई में 1000 कर देंगे तो 36 किलोमीटर में बदल गया, 36 किलोमीटर में बदल गया। लेकिन हमको क्या करना है, एक ये तरीका हो गया, लेकिन हमको इतना लंबा एग्जाम में अगर पूछा, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म, लेकिन अगर यही शॉर्टकट अगर पूछा जाता है कि 10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, क्या करते हैं हम, चुपके से इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको काटेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, काटेंगे, यहां पे आया 2 18 2 36, ये हो गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पिछला क्वेश्चन हो गया। अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा यही काम करेंगे, इसको अपोजिट से कर देंगे 36, है ना, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5/18 से, 5/18 से कर देंगे, ये अपोजिट हो गया, इसको 2 से हम कट कर देंगे, 5 2 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना तो आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं। तो ये चीजें हमारे हो गए, यानी कि अगर हम स्पीड ऑफ साउंड को अगर देखें तो जैसे जैसे इसकी मीडियम चेंज होती है उसी तरह इसके इसके स्पीड चेंज होते रहते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और भी चीजें हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में प्रॉपर जितना आप लोग इसको समझें, इसको नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन अभी नहीं किया हूं, इसको बाद में करूंगा, ठीक है। वो क्या है, उसके बीच को क्या कहेंगे, आगे क्या कहेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके, टेक केयर, थैंक यू।